हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की सुबह हो रही है हमारी चंडीगढ़ में, और आज हमारे ट्रिप का है चौथा दिन। और सुबह सुबह ना हम सुबह उठ गए थे लगभग 4-5 बजे, और 4-5 बजे उठने के बाद हमने शुरू कर दी थी एडिटिंग। और हम सुबह की तब जैसे 2 बजे, 2 बजे सोने के बाद 4 बजे उठ गए थे, और 4 बजे से एडिटिंग करने में लगे थे। कम से कम 5 घंटे हो गए, और अभी तक हमारी एडिटिंग पूरी हो गई है, और अभी लोड क्लियर कर दिया है इसको मैंने। तीनों भाई एडिटिंग में लगे हुए हैं। अब क्या है, एडिटिंग करते हैं, अपलोड करते हैं एक वीडियो, फिर दूसरी वाली वीडियो भी एडिटिंग करनी है, वो भी अपलोड करनी है। उसके बाद हमने जाना है डीकैथलॉन, और डीकैथलॉन से हमको थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। लेह लद्दाख वाला आपको पता है कितनी ठंड होती है, तो जैकेट लेनी है। और इनके ना क्या कहते हैं कि माइक में भी दिक्कत आ रही है, तो शायद इनको माइक का कुछ सामान है वो भी लेना है। अपनी चाय और ब्रेड और क्या कहते हैं कुछ फैन और रस्क वगैरह हमने खाई, और अभी एडिटिंग के लिए थोड़ा सा छोड़ रखा है। तो भैया एडिटिंग वगैरह हमारी हो गई थी, एक फाइल मैंने एडिट कर दी है और एक मेरी आधी एडिट हो रखी है। और अभी क्या प्लान है, अभी हम जा रहे हैं वहाँ जहाँ हमारी बाइक खड़ी है, और वहाँ से फिर हमें जाना है डीकैथलॉन। पैकिंग सारी हो गई, अब बस ये कर रहे हैं कि जो गंदा हुआ था वो साफ ऑफ कर रहे हैं। और यहाँ एक बैग रोहित का हो गया, एक ये वाला बैग हो गया विक्की का, एक बैग जिसमें हमारा लैपटॉप और कैमरा वगैरह रहेंगे, और एक ये ड्रोन जो मैं लेके आया था ना, ये भी मैंने चार्ज कर लिया है आगे रास्ते के लिए। ये अब हमको शायद ऊपर जाएंगे तो हमको पहाड़ों में कम चार्जिंग का लेंगे व्यवस्था मिलेगी, तो हम यहाँ से सब कुछ चार्ज करके जा रहे हैं। और अभी तक मैंने अपने पावर बैंक को हाथ भी नहीं लगाया है। 80,000 mAh जो मैं लेके चल रहा हूँ ना, वो मेरे बहुत काम आने वाला है। अब देखते हैं वो कितना काम आने वाला है, कहाँ तक काम आने वाला है। चले फिर निकलते हैं नीचे को। यहाँ किचन था, और यहाँ रूम था, यहाँ बाथरूम था, और यहाँ शौचालय। आ गए हैं अभी डीकैथलॉन, और डीकैथलॉन में अभी ऊपर जाके हमको लेना है सामान। और इतनी गंदी गर्मी है ना, तो इतनी गंदी गर्मी बता नहीं सकते, लेकिन कोई नहीं, जल्दी से निपटाते हैं और 1-2 घंटे में पहाड़ों के ऊपर पहुंचते हैं। तो चलते हैं सीधे ऊपर डीकैथलॉन अपना सामान लेने के लिए। 33 मुझे कमर से तो आ रहा है, लेकिन यहाँ से देखो तो ये टाइट हो रहा है, लूज हो रहा है। ये देखो, हाथ देखो। तो भैया रोहित की तो हो गई है, जो शॉपिंग करनी थी उसने देख लिया, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं देखा अभी। तो मैं सोच रहा हूँ मेरे को एक चश्मा लेना है, और एक और सामान लेना था, तो मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या लेना था। एक चश्मा और एक और आर्टिकल लेना था। एक तो मैं सोचा था कि जो आपका टिफ़िन के लिए ना, कैंपिंग के लिए एक किट आता है जिसमें आपके बर्तन और चम्मच और कांटा वह सब होता है, तो मैं सोचा वो लेने का। और इधर ना डीकैथलॉन के अंदर बहुत बड़ी रेंज है, चंडीगढ़ वाला जो डीकैथलॉन है उसमें आपको बहुत सारे सामान मिल जाएंगे अलग अलग टाइप के। जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ ना, जैकेट की रेंज बहुत है अलग अलग, जो आपको दिल्ली में भी नहीं मिलेगी ना वाली रेंज यहाँ मुझे दिख रही है। तो मैं सोचा कि कुछ ना कुछ तो यहाँ से एक अपने लिए जैकेट भी देख लूँ। तो मुझे ना अपने लिए चश्मा लेना था, और यहाँ रेंज है जो मैं दिल्ली में नहीं मिली, तो मैं कुछ आर्टिकल हैं जो मैं देखता हूँ। शॉपिंग वगैरह हो गई है, और जो ना लेना था वो भी ले लिया है। अब दिक्कत लोगों से घुसोगे ना, जो नहीं चाहते हो ना वो भी लेना पड़ जाता है, क्योंकि मन मानता नहीं है। तो भैया हम पहुँच गए बद्दी, और बद्दी पड़ता है हिमाचल पे। हमने जो रूट था ना आज का, हमने थोड़ा लेट शुरू करा, इस चक्कर से हम अभी पहुँचे हैं सिर्फ बद्दी। और बद्दी आपका चंडीगढ़ से लगभग 40 किलोमीटर के दूर पे ही होगा, और हमारा स्टॉप इतना दूर इसलिए हुआ क्योंकि हमने जो अपना ट्रेवल स्टार्ट करा ना, वो स्टार्ट किया रात के 7 या 8 बजे, और चंडीगढ़ में हमको लग गया टाइम, हम रूम से निकले 3 बजे, फिर हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर हम चले गए डीकैथलॉन। और डीकैथलॉन था जिस लोकेशन पे हम थे ना, वहाँ से था 16 किलोमीटर आगे उल्टा। और उसके बाद फिर हम वापस आए, फिर हमने रोहित की गाड़ी में काम कराया। रोहित की गाड़ी में काम कराने के बाद हम आए इस वाले रूट में। मोटो व्लॉग बीच में इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे ना एक तो बैटरी डाउन हो गई थी अपनी भी और GoPro की भी। कल हमारा जो रूट रहेगा, कल का रहेगा हमारा मंडी का, तो यहाँ से हम मंडी जाएंगे, और मंडी से फिर आगे का रूट वो आपको तब पता चलेगा जब आप इसके बाद वाला व्लॉग देखेंगे। हमने जो रूम लिया है ना, बहुत बजट में लिया है, 3 लोगों का 1,000 रुपये, तो
अफोर्डेबल था, एसी है, वाईफाई है, और एक ही रात गुजारना, तो हमने सोचा इससे महंगा लेना भी बेवकूफ़ी है, और इससे कम में एसी और वाईफाई तो शायद मिलता नहीं है। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। आज का शुरुआत जो हो रही है ना हमारी, वो हो रही है बंदी से, और जहां हम कल रात होटल में रुके थे वहां अभी रुके हुए हैं, और कुछ वीडियो एडिटिंग वगैरह चल रही थी जो आपने वीडियो देख ली है वो वाली वीडियो के लिए। और यहां से आज का जो हमारा प्लान है वो है कि हम जाएंगे आज मंडी से आगे परासर लेक के पास, और ये दोनों तो रेडी हो गए, और ये आलसी सो गया था फिर से दोबारा से, रात भर दोनों सोए हुए थे, वो तो बिस्तर में जाते ही सो गया था, ये सोया था 1 बजे के आसपास, और मैं सोया हूँ सुबह के 3 बजे। और भैया 2 वीडियो कल रात मैंने एडिट करी, उसको फिर अपलोड भी करा और शेड्यूल भी कर दिया है, तो एक जो ये वीडियो आप देख रहे हो इससे पहले वाली वीडियो भी मैंने डाल दी है और इससे पहले वाली वीडियो डाल दी है, तो जाके उसे चेक करिएगा। और हाँ, आज ना कल तो हमारा कुछ कंटेंट नहीं था कि मैं क्या बनाऊँ, क्या बताऊँ, क्या नहीं बताऊँ। हाँ यार, कल कंटेंट नहीं था। क्या था कंटेंट कल? कुछ भी नहीं था। तो भाई रात में तो कुछ वैसे रूम का दिखा नहीं पाया था, तो मैं सोच रहा था कि आपको अभी दिखा दूँ। चल रहा है कुछ? बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। बहुत ज़्यादा धूप है, तो कोई बात नहीं, हम धूप पे जाएंगे। तो ये है होटल का दूसरा पीछे वाला पार्ट, और मैंने जो अपनी बाइक खड़ी करी थी ना, वो मैंने बाइक खड़ी करी थी यहाँ पे, तो यहाँ पे गाड़ी मेरी साफ पार्क हो गई थी, और सामने ना आप देखोगे वहाँ आगे तो सामने पहाड़ है, और यहीं पे हाईवे है, तो और आगे तो पहाड़ दिख रहे हैं, जैसे हमारे पहाड़ होते हैं ना हल्द्वानी से ऊपर के कुमाऊँ के पहाड़, वैसे ही पहाड़, छोटे छोटे पहाड़ दिख रहे हैं, जैसे हमारे काड़ूदाम में दिखता है सेम वैसे ही पहाड़ वहाँ सामने दिख रहे हैं। तो ये देखो ऐसे टूटे हुए पहाड़ होते हैं हमारे वहाँ भी, और ये हाईवे है, तो इसी हाईवे से हमको आगे जाना है अपने रास्ते। तो ब्रेकफास्ट करने का प्लान ऐसा है कि हम जो ब्रेकफास्ट है ना वो आगे कहीं करेंगे, क्योंकि होटल में ना थोड़ा सा महंगा हो जाता है। रूम सही मिला हमको 1000 रुपये में एक रात काटने के लिए, एसी वाला रूम सही था। रेस्टोरेंट में देख के ढाबे वाबे में रुकेंगे जहाँ हमको बजट में खाना मिलेगा, और फिर वहाँ से आगे के रास्ता तय करेंगे। तो भैया नुकसान हो गया सिनेमैटिक शॉट के चक्कर में, ये टूट गया, तो ये हमारा बनी है जो मैं साथ लेके चल रहा अपना। तो भैया अभी हम हो गए रेडी, और अब क्या प्लान है हमारा, अब यहाँ से हम गाड़ी में सामान रखेंगे और चल जाएंगे अपने पहाड़ों के ऊपर, और यहाँ से जो सफ़र है ना वो रहेगा पूरे पहाड़ वाला, मज़ेदार कैंपिंग वाला। यहाँ से अभी हमने ब्रेकफास्ट करा नहीं, क्योंकि हमारा क्या प्लान है आगे कहीं पहाड़ में अच्छी जगह रुक के वहाँ ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, और वो भी खुद बना के, क्योंकि इतना सब सामान लेके कब यूज़ करेंगे, खाली ढो रहे हैं यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। अब बनाएंगे पहाड़ों में शांति से रुक के आराम से चाय और मैगी। कर दो नुकसान भैया, तुम कर दो। और भैया ये चश्मा ना बड़ा नहीं, सही नहीं, है सिर्फ 299 रुपए का दी कहते हैं, मैंने लिया था ताकि व्लॉगिंग के समय ना मेरा फेस जो है ना थोड़ा सा एट्रैक्टिव लगे, और ये टी शर्ट भी कल ली थी मैंने दी कहते हैं, और ये टी शर्ट लेने का रीजन ये था क्योंकि ना कल जब हम राइड कर रहे थे ना, तो ये क्या हो रहा था पता है, ये राइडिंग जैकेट से इतनी पसीने हो रही थी क्योंकि ये मोटी बहुत है, और बहुत ज़्यादा गर्मी चंडीगढ़ के अंदर गर्मी थी, ये लौंडा बर्बाद है। तो भैया ये टी शर्ट ली थी मैंने ताकि गर्मी स्वेटिंग को सोख ले, और इसी से मेरे को ना बहुत शांति मिली, जब पसीना आ रहा था ना इसको पहन के ये मतलब कंफर्टेबल था मैं। और अब यहाँ से हम चलते हैं क्योंकि ये तो रेडी हो गए, मैं लगाऊ था इंट्रो इंट्रो में, तो आगे का सफर रहेगा हमारा चालू, तो बने रहिए यूट्यूब वीडियो पे मेरे, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जाके सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, करिए करना पड़ेगा, दोस्ती है क्या? हाँ, इतनी मेहनत कर रहे हैं वीडियो बना रहे हैं तो लाइक नहीं कर रहे हो, कैसे होगा भैया? तो भैया अब यहाँ से हमारा सफर शुरू होता है, और अब चलते हैं हम पहाड़ों की ओर। तो भैया यहाँ रखी थी मैंने कल अपनी बाइक, और अभी तो मैं अपना मैकबुक और ये कपड़े रख देता हूँ इसमें संभाल के। तो भैया हम हो गए रेडी, और ये बाइक भी रेडी है, और ये बाइक भी रेडी है, और मेरी बाइक भी रेडी है। अभी क्या है, भैया लोगों को मेरी बाइक बड़ी अच्छी लगी तो वो फ़ोटो वगैरह खींचवा रहे हैं अपनी, और जहाँ से अब हम रेडी होके निकलने वाले हैं। चार्ज नहीं है, अब फ्री है, फ्री सर्विस है, बस आपको कुछ नहीं करना है, ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है?
बस और कुछ नहीं करना है, कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ से भाई अब चले आगे को, चलो निकलते हैं यहाँ से, और अब आगे का रूट हमारा पहाड़ों का चालू होगा।